अपने ऑर्डर की डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट विद दिस हल करने का एग्जैक्ट विद दिस हल करने के मेथड से कैसे हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपना डी टू आई अपॉन डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस कोस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू वाई इजिकल टू साइन टू एक्स इसमें अपन देखें तो पी नॉट इजिकल टू वन पी वन इजिकल टू कोस एक्स पी टू इजिकल टू टू साइन एक्स पी थ्री इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स फाइव एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स। अगर ये एग्जैक्ट है कि नहीं है इसके लिए अपन देखें तो पी थ्री माइनस पी टू डैश प्लस पी वन डबल डैश माइनस पी नॉट ट्रिपल डैश इज इक्वल टू डैश मीन्स एक्स के सापेक्ष अवकलन पी थ्री माइनस कोस एक्स माइनस पी टू डे पी टू डैश टू साइन एक्स का अवकलन माइनस टू कोस एक्स प्लस पी वन डबल डैश कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स पी नॉट इजिकल टू वन अचर है तो इसका अवकलन हो गया जीरो माइनस जीरो इजिकल टू ये माइनस के टू प्लस के टू कोस एक्स यानी जीरो यानी अवकलन समीकरण एक एग्जैक्ट है। तो इसका इसका एक हल या एक समाकलन ये होगा पी नॉट डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन माइनस पी नॉट का डैश डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश y इज इक्वल टू समाकलन साइन टू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन और ये हो गया पी नॉट इज इक्वल टू वन यानी डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन इज इक्वल टू कॉस एक्स पी नॉट डैश यानी जीरो कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू माइनस टू साइन एक्स माइनस पी वन डैस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन एक्स वाई साइन टू एक्स का माइनस वन अपॉन टू कॉस टू एक्स प्लस सी वन। दोबारा इस अवकलन समीकरण को अपन देखें तो पी नॉट इज इक्वल टू वन पी नॉट इज इक्वल टू वन पी वन इज इक्वल टू कॉस एक्स पी टू इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स तो पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश पी टू इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस पी वन डैश माइनस साइन एक्स
और पी नॉट एस जीरो यानी जीरो। अवकलन समीकरण दो फिर क्या है एग्जैक्ट। तो इसका हल पी नॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट एस वाई इज इक्वल टू समाकलन माइनस वन अपॉन टू कोस टू एक्स डी एक्स प्लस सी वन डी एक्स प्लस सी टू। और ये हो गया साहब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन कोस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर साइन टू एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। अवकलन समीकरण तीन फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया एक्सपोनेंशियल समाकलन कोस एक्स डी एक्स यानी एक्सपोनेंशियल साइन एक्स। तो इस समीकरण तीन का हल हो गया अपना वाई इंटू एक्सपोनेंशियल साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर एक्सपोनेंशियल साइन एक्स साइन टू एक्स डी एक्स प्लस समाकलन सी वन एक्स प्लस सी टू एक्सपोनेंशियल साइन एक्स डी एक्स प्लस सी थ्री। इसमें अपन साइन एक्स इज इक्वल टू टी रखे और बाई पार्ट्स इसका समाकलन करें तो ये हो गया माइनस वन अपॉन टू एक्सपोनेंशियल साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वन प्लस समाकलन सी वन एक्स प्लस सी टू एक्सपोनेंशियल साइन एक्स डी एक्स प्लस सी थ्री। ये समीकरण एक का हल हो गया। इसमें इस पार्ट का समाकलन नहीं होता तो ये समीकरण एक का हल है। धन्यवाद।